हमारे यहाँ पे जो कि डाइकिन मेगा सर्विस सेंटर के उद्घाटन पे आप आए हैं। सर्विस मेगा सर्विस सेंटर का जो मकसद है ये खोलने का, क्योंकि अब एयर कंडीशनिंग एक सनराइज इंडस्ट्री डिक्लेयर की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाद की तरफ से, एंड ये इंडस्ट्री काफ़ी साल तक जो है एक लग्जरी इंडस्ट्री गिनी जाती थी। अभी 3 साल पहले ये सनराइज इंडस्ट्री हो गई है, क्योंकि इसकी डिमांड जो है बहुत बढ़ रही है। अगले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में 10 गुना ग्रोथ होने वाली है, और कंपनीज जो हैं इंडिया में बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं, मल्टीनेशनल्स भी कर रही हैं, लोकल कंपनीज भी कर रही हैं। हम क्योंकि डाइकिन जो नंबर 1 कंपनी है ग्लोबली $27 बिलियन की, हमारे लिए जो है वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर जो हम रखना चाहते हैं वो सर्विस है। आज की डेट में हमारे पास 4.5 मिलियन कस्टमर्स हैं जो हमारे C4C पैकेज में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो क्योंकि हम हर कस्टमर को जब अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उसको ये प्रॉमिस करते हैं 4 आवर्स रिस्पॉन्स टाइम एंड 24 आवर्स डाउन टाइम, इसकी वजह से हम ना कि सिर्फ प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, ना कि हम सेल्स कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, बल्कि सर्विस कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ा रहे हैं सब जगह पे, क्योंकि हमें ये लगता है कि ब्रांड अगर बिल्ड होता है तो सर्विस डिफरेंशिएशन की वजह से होता है। रिपीट कस्टमर अगर आता है तो सर्विस की वजह से आता है, क्योंकि अगर आप एक कस्टमर को सर्विस नहीं देंगे तो वो शायद 10 कस्टमर्स को बताएगा कि हाँ मुझे सर्विस नहीं मिल रही। इसलिए हमारे लिए ये जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। हमारे लिए हम ये सोचते हैं कि अगर लीडरशिप मेंटेन करनी है थ्रू प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं यू नो 0.75 टन से 2700 टन तक चिलर्स तक हैदराबाद एयरपोर्ट में हमने एयर कंडीशनिंग की हुई है, तो हम वी आर एवरीवेयर यू नो फ्रॉम बोर्ड्स रूम्स टू किड्स बेडरूम टू लार्ज विलाज टू मॉल्स टू एयरपोर्ट्स। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम सर्विस दे पा रहे हैं पिछले 10 साल से, तभी हमारी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है और हम आज इंडिया में भी हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग की नंबर 1 कंपनी बन गए हैं। अगर उसको सस्टेन करना है लीडरशिप को तो कुछ ना कुछ नया सर्विस में करना है। तो जो हमारे पार्टनर हैं ये इन्होंने खुद जो है हमारा फैक्ट्री में जाके सीख के आए हैं, वहाँ खुद इन्होंने देखा है कि जो लीडरशिप में हमने पहले सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंट करने से पहले हम ये करते हैं कि उसका कितना इंटेंशन है सीखने का और कस्टमर के पास क्लोज रहने का। तो जब इनकी कमिटमेंट पूरी हुई तो तब हमने इनको ये अवार्ड किया। हमें खुशी है आज इनके पास ऑलरेडी जो है करीब करीब 100 कमांडोज हैं। हमारे पास पूरा हिंदुस्तान में करीब करीब 1,10,000 कमांडोज हैं, जिनकी वजह से हम आज इस जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे हम आपसे बात कर रहे हैं। हमने इस्टेब्लिश किया लीडरशिप को प्रोडक्ट पीपल सिस्टम सर्विस एंड ब्रांड। अब अगर ब्रांड को मेंटेन करना है तो स्किल एनहेंसमेंट हमारा एक जो है कंटिन्यूस एफर्ट है। हम और ग्रो करना चाहते हैं, हम 3री फैक्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पर साउथ में, 2 फैक्ट्रियाँ हमारी निमराना में हैं, वो इसी वजह से लगा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे सर्विस कमांडोज हैं जो कस्टमर्स को अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं उसको अच्छी सर्विस भी देते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस खुशी में आप हमारे साथ शामिल हुए। और आपका दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ कि आपने इस ब्रांड को पिछले 12 साल से जो इंडिया में एक 300 करोड़ की कंपनी थी 6,200 करोड़ की कंपनी बन गई है, और हमारा एम है जो लक्ष्य है अगले 5 साल में ये 13,000 करोड़ की कंपनी का बनाने का है। तो उस सब में आपका सहयोग बहुत रहा है हमारे को, ख़ास तौर पे सर्विस कमांडोज का बहुत सहयोग रहा है, तो हम उसके लिए आप सबका धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ में जो हैं मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर संजय गोयल, यहाँ के जनरल मैनेजर हैं मिस्टर गणेश राव, यहाँ इस जोन के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राव यहाँ पे, और मेरे जो मार्केटिंग हेड भी हैं, मेरा सारा स्टाफ यहाँ पे है इकट्ठे। अगर आप कोई चीज़ भी कंपनी के बारे में पूछना चाहें हमारे से, कुछ और भी हमारे सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हैं, सेल्स के दिल्ली के भी रूम एयर कंडीशनर के हेड हैं,
तो ये सारी की सारी जो हैदराबाद की टीम है इनको सपोर्ट करने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो जो कंपनी की खूबियाँ हैं, कंपनी ने अपना आने से पहले ही सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जापान की एक कंपनी हैं, हमारा मदर R&D सेंटर वहाँ पे है जिसमें 800 इंजीनियर्स हैं जो दिन रात वहाँ पे इनोवेशन पे काम करते रहते हैं। तो वही हमने रेप्लिका यहाँ बनाया है और आज जो है हिंदुस्तान सबसे आगे है जहाँ स्केल पे, स्किल पे। तो उस R&D सेंटर जो हमने निमराना में खोला था उसको देखते हुए हमारा AI IoT सेंटर भी है हैदराबाद में जो हमने खोला है। उसके अलावा जो है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ है। जो हमारी फैक्ट्री जो अब तीसरी फैक्ट्री लग रही है वो साउथ ईस्ट एशिया की ही नहीं वर्ल्ड की बिगेस्ट फैक्ट्री यहाँ लग रही है। जो पहले वाली फैक्ट्री भी है जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो 40 एकड़ की फैक्ट्री है, उसके साथ ही हमारा 15 एकड़ का गोडाउन है, हमारे पास 4000 लोग काम करते हैं। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग इज़ आवर इंजन ऑफ ग्रोथ। तीसरा है हमारे पास जो 4000 लोग जो काम करते हैं वो सभी को उस स्किल सेंटर में ट्रेन किया गया है जिसको हम बोलते हैं डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस। चौथा हमारे पास है दैट वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल फ्रॉम द ट्रेड। जैसे जितने भी हमारे लोग हैं, जो मेरा बोर्ड रूम है उसमें 500 से ज़्यादा ईयर्स के एक्सपीरियंस के लोग बैठते हैं जो टॉप ब्रास है, वो सब जापानीज टेक्नोलॉजी को जानते हैं और इंडियन मैनेजमेंट ऐसे कर रहे हैं जी कस्टमर की नर्वस को जानते हैं वो। तो ये सारी जो है और सर्विस सेटअप जो है हमारा अक्रॉस द कंट्री है। हमारे पास 11,000 डीलर हैं, 110,000 सर्विस कमांडोज हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें कंपनी को आगे रखती हैं। हमारा अपना कंप्रेसर बनाते हैं हम, खुद अपना रेफ्रिजरेंट बनाते हैं। तो ये कुछ एक खूबियाँ हमारी हैं जिसकी वजह से हम वैल्यू फॉर मनी दे पाए। आज अगर आप देखेंगे सेंट्रल विस्टा भी हम एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, आज हम देखेंगे तो हैदराबाद एयरपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में फीफा ऑडिटोरियम हमने किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमने किया, टोक्यो टावर हमने किया। तो अब हिंदुस्तान की भी जो भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किया है वो भी यहाँ पे हमने किया गुजरात में। आई थिंक सारी की सारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स वी हैव डन। अभी रिसेंटली बैंगलोर एयरपोर्ट किया है, तेलंगाना सेक्रेटरीट देख लीजिए आप, कोई भी जो हुज हु है। जैसे मैंने पहले भी बोला है हम लोग एंड टू एंड बोर्ड्स रूम्स टू किड्स बेडरूम टू लार्ज विलास टू एयरपोर्ट्स टू मॉल्स, हम उसमें एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि वर्ल्ड्स नंबर वन कंपनी है, 100% सब्सिडी है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। वी मे नॉट बी द चीपेस्ट बट वी प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। मार्केट शेयर, या इन रूम एयर कंडीशनर वी हैव क्लोज टू अबाउट 18% मार्केट शेयर and VRV products which is variable refrigerant volume products which is for small offices and home offices, we sell more VRVs than the next 5 competitors put together. We have more than 65% market share and in chillers we have about 28% market share. If you take all this in terms of value, we are the number one company with overall about 24% market share in terms of value, okay, with 4.5 million customers with almost 100,000 customers under annual maintenance contract. So we engage customers for lifetime. When you become my customer, you remain lifetime my customer. That is our motto. A great success. At this moment, I also want you to aim that quickly you contribute to your organization and come and see our factory at Nimrana soon. Thank you.